काम करते हैं, अब दिखा देता हूँ केशव गोखले की ताकत क्या है। आइए पंजरा रहते, आइए आइए, यहाँ नहीं वहाँ आइए, झुक नहीं सकती। प्रभाकर तू गिनती शुरू कर। जी, पंजा लड़ाते हैं तो गिनती करते हैं लोग, सेल में कपड़े खरीदने जाते हैं तो भागते हैं लोग। वाह, तो गिनती सेल एक हुए, हाथी बैल एक हुए। रुलाएगा क्या तू? रुलाएंगे ही, रुलाएंगे। प्रभाकर दादा चुप रहिए, महेंद्र बाबू आप गिनती कीजिए, 1 2 3 आप बोलिए। अच्छा ठीक है, 1 2 3। क्या देखा ना, देखा कि नहीं? वाह 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 वाह, उर्मिली दारा सिंह तो अरे इतने सालों से महेंद्र को हराते आ रही हूँ पंजे में, ताक क्या चीज है। वाह 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 उर्मिला वहनी वाह, अब तो उस अभिजीत को भी पंजा लड़ाने में हरा दोगी। अच्छा एम 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 तो चुनौती दे दी क्या? कम से कम उसी बहाने एक सचमुच के जवां मर्द हैंडसम माचो मैन के साथ हाथ मिलाने का मौका तो मिल जाएगा। ए, आ तो जाती नहीं। ए, उर्मिली उर्मिली कोई फायदा नहीं है, उर्मिली उर्मिली बोल के कोई फायदा नहीं है महेंद्र बाबू, अभिजीत का नाम लेके ऐसे शर्माते हुए गई है उर्मिला वहिनी। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तो पंजा लड़ाने में हरा दिया लेकिन आपको पूरी तरह हरा के निकल जाए हाथ मिलाने वो अभिजीत के साथ। बहुत खाती हूँ और नहीं खा सकता। आपके लिए दूध लाई हूँ। मैं दूध नहीं पीता। अरे ये बादाम का दूध है, मुझे पता है कि आप वेगन हो। वेगन? वहिनी ये वेगन का इशारा? ऐसे कैसे? अरे वो अपने चोपड़ा साहब वो ऐसे ही तो बोलते वहिनी वेगन वेगन का भरता बनाओ, तो हुआ ना ये वेगन का इशारा। माइंड ब्लोइंग, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। I need to take this. काम हो गया? अंकु भाई क्या पैसे डिपॉजिट करवा दिए थे ना? तो और पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे मगर काम चलती हो जाना चाहिए, ठीक है? बाय 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 बाय। उर्मिला वहिनी ने आपके लिए थेपले भेजे, ये खा के आपकी बॉडी और बस्ट बन जाएगी। नहीं, थेपले खा के किसी की बॉडी नहीं बनती। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी बहुत खाया मैंने, नहीं कैसे खा, थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा ना। हां गई गई। वैसे निर्मिति भाभी आपने नोटिस किया है अभिजीत को बार बार फोन आते हैं और जब भी फोन आते हैं वो साइड में जाकर चुपके से बात करता है। हाँ वैसे केशव भी बोल रहे थे लेकिन मैंने तब ध्यान नहीं दिया, पर अब मुझे भी लग रहा है गायत्री कि कुछ तो है। ये ले उज्वला, ये मैंने तेरी बैग पूरी साफ कर दी। वाह वेरी गुड बढ़िया, ये ले तेरा इनाम। तेरी मैथ्स नोटबुक पे कवर चढ़ा दिया और मैंने तेरे सारे पेंसिल्स भी शार्पन कर दिए। वेरी गुड कृष्णा, ये ले तेरे लिए इमली वाली चॉकलेट और ये मेनका तेरे लिए अमरूद। थैंक यू। ए चोमड़ी क्या कर क्या रही है तू? कुछ नहीं भारती काकी, बस ऐसे ही टाइम पास। झूठी, देख रही हूँ सबसे अपना काम करा के ले रही है और तोहफे बांट रही है। अरे ऐसे ही भारती काकी, वो कल से स्कूल शुरू हो रही है ना, तो सारी तैयारियाँ करवा रही हूँ। वैकेशन में सबको आराम करने की आदत पड़ गई है। भाई 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 आने दे निर्मिति को, सब कुछ बता दूंगी, रुक तू। मेनका मैंने बोला था ना तुझे, बोला था ना भारती काकी सिर्फ भोली और मासूम नहीं, वक्त आने पे सख्त भी बन सकती है। और ये बंडिया
ये बंडिया मानने को तैयार ही नहीं है। ये आप तो सबसे सुंदर हो इस घर में, अब सब मानने को तैयार है या नहीं? हाँ। अगवाई, तू इतना सोचती है मेरे बारे में? अरे और नहीं तो क्या भारती काके, आप तो कितनी समझदार है, आप तो कृष्णा का भी प्रॉब्लम ऐसे फटाफट समझ जाएंगे। अच्छा बोल कृष्णा। आंटी कल मेरे पापा का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी मेरी स्कूल प्लीज? बिल्कुल आऊंगी, मैं बंड्या और मेनका के साथ भी जाती हूँ, तो तेरे साथ क्यों नहीं आऊंगी? उज्ज्वला मैं मदद करने वाली भी हूँ ना। अरे हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है भारती काके, और ऊपर से बावर्ची नंबर वन, अब भी ऐसे रसोई में जाके खाना बना देंगी आप, है ना काकी? बराबरा। थैंक यू उज्ज्वला। अरे इसमें क्या थैंक यू, चल अभी एक काम कर, मेरी ये वाली टेक्स्ट बुक पे कवर चढ़ा दे। निर्मिति वही थम्बा जरा। अब आओ, मैंने जो साड़ी दी थी ना रोल प्रेस के लिए वो हो गई? जी मैम हो गई। अरे वही नहीं, लेकिन ये तो बताइए कि यही साड़ी क्यों चाहिए आपको? सांगते सांगते निर्मिति, तुम्हें पता है ना कल से बच्चों के स्कूल शुरू हो रहे हैं। हाँ? फिर भी तुमने बच्चों को आइसक्रीम खाने को दी? नहीं नहीं, निर्मिति ने नहीं, कृष्णा ने दी थी, बच्चे मेरे लिए भी आइसक्रीम लाए थे। लेकिन क्यों? वो कल मैं कृष्णा के साथ उसके स्कूल जा रही हूँ ना, उसकी मम्मी बनके, उस खुशी में, इसलिए तो मुझे चाहिए ये साड़ी। लेकिन वही नहीं, कल तो आप आई के साथ जाने वाली थी ना अनुसुईया मौसी के वहाँ। अगवाई वो तो मैं भूल ही गई, अब कृष्णा किसके साथ जाएगा? अब मैं चली जाऊंगी ना उसके साथ, कोई टेंशन नहीं है वही नहीं। हाँ, बर बर। एक मिनट, अनुसुईया मौसी तो तुम्हारी आई की सगी बहन है ना? हाँ तो आई के साथ तो तुम जाने वाली थी ना? हाँ। लेकिन वही नहीं, आप तो बड़ी बहू है ना घर की, तो आप ही चले जाइए, कृष्णा के साथ मैं चली जाऊंगी। वैसे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं चला जाता हूँ साड़ी पहन के। क्या? हाँ, मेरी पाठशाला में मैंने द्रौपदी का किरदार किया था और मेरे डायलॉग मैंने खुद ने लिखे थे। हस्तिनापुर में हुई बारिश तो हस्तिनापुर हो गया गीला, सीलिंग से लीकेज हुआ तो घर हो गया गीला, तो हस्तिनापुर सीलिंग एक हुए, करिश्मा कपूर बॉलिंग एक हुए। वाह वाह, और ये सुन के पब्लिक ने क्या बोला था नट सम्राट, वो भी बता दीजिए। पब्लिक बोली थी निकालो निकालो ये मूछ वाले प्रभाकर को, द्रौपदी के किरदार से बाहर निकालो वरना हम सब मिलके डायरेक्टर का वस्त्र हरण कर लेंगे। चुप रहिए आप, कहीं जाने की जरूरत नहीं है समझे, दुकान में इतना काम पड़ा है प्रभाकर दादा, कौन करेगा? भारती वेरी निर्मिति आई के साथ तुम दोनों जाओगी, आप यही रहेंगे अन्ना की मदद के लिए, समझे आप? और कृष्णा के साथ जाएगा उसका बापूस अभिजीत, वैसे भी बोलते रहता है ना आई शैल हैंडल देन लेट हिम हैंडल, कर लेगा वो हैंडल। लेकिन केशव, क्या लेकिन केशव, क्या लेकिन? हाँ मैं चली जाऊंगी कृष्णा की आई बन के। चुपचाप जाके उज्ज्वला की आई बनो, बहुत दिनों से देख रहा हूं कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ की है उस लोमड़ी ने। अरे रुको ना गायत्री, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू लेनी है। तो अपने हाथ पर छिड़क कर ले लो ना। समझो ना गायत्री, ये परफ्यूम तुम पे छिड़क के तुम्हारी खुशबू के साथ इस परफ्यूम की खुशबू लेने। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी, आ गया कबाब में हड्डी, छोटी हड्डी बस। अरे बेटा बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ 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 नीचे जाओ, सबके साथ खेलो। उनको तो केशव अंकल ने डांट के पढ़ने बैठा दिया। केशव दादा भी ना हमेशा गलत टाइम पे सही काम क्यों करते पता है? कृष्णा आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? टेंशन है। टेंशन है तुम्हें? हाँ। तो क्या हम जान सकते हैं क्या आपको किस बात की टेंशन है? कल स्कूल में ओपन हाउस है,
पापा बिजी है और भारतीय आंटी भी नहीं आ पा रही है, तो मेरे साथ कौन जाएगा? वाकई में बहुत बड़ा टेंशन है ना गायत्री? तो इफ यू डोंट माइंड कृष्णा, मैं आपके साथ चलूं? रियली? आप आएंगे? ऑफ कोर्स आऊंगी, मैं भी आऊंगा गायत्री के साथ। मैं अभी ये सबको बता के आता हूँ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तुम क्यों तैयार हो गए? इसी बहाने तुम्हारे साथ रहूं? तुम्हें ना सिर्फ बहाना चाहिए। अभी चिल्ला कर सारा घर सर पे मत उठा तू। कल रात को तैयारी क्यों नहीं की तूने? मम्मी आप किटकिट मत कीजिए, उससे अच्छा आप मेरा मोजा ढूंढिए ना, वरना आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अगर ए दादागिरी क्या कर रही है तू? हाँ, खुद के काम खुद क्यों नहीं करती? खुद के काम खुद ही कर रही हूँ मैं, स्कूल से कितना सारा होमवर्क दिया है वो कौन करता है? मैं खुद ही करती हूँ। सॉरी। तूने क्यों सॉरी बोला? वो काकी बंडिया ये कहना चाह रहा था कि उज्ज्वला सिर्फ खुद का ही नहीं, हमारा भी तो होमवर्क करती है। उज्ज्वला की हैंडराइटिंग कितनी साफ है ना उज्ज्वला? मेनका, किसकी हैंडराइटिंग साफ है? उज्ज्वला की। वही तो, क्योंकि हैंडराइटिंग के मामले में ये तो आप ही गई है ना केशव, खराब हैंडराइटिंग। अच्छा, तो ये मत बोलो निर्मिति कि शादी से पहले यही खराब हैंडराइटिंग वाले लव लेटर्स का जवाब तुम तीन तीन पन्ने भर के दिया करती थी। हाँ, लेकिन केशव आज ना मैं आपको एक बात बता ही दूँ। नहीं, कान मत कान मत। जब मुझे आपका पहला लव लेटर मिला ना, तो मुझे ऐसे लगा था कि शायद ये तो कोई दवाई की प्रेस्क्रिप्शन है जो शायद आपने खुद मंगवाई होगी, और वो लेकर जब मैं केमिस्ट के पास गई थी ना, तब उस केमिस्ट वाले ने पढ़कर मुझे बताया कि ये तो लव लेटर है। उसके बाद से आपके लिखे हुए सारे लव लेटर्स वही पढ़ के सुनाता रहा मुझे। अबे, और ये बात तो मुझे अभी बता रही हो इतने सालों बाद? सुनो का? हेलो, या इज दिस मिस्टर केशव गोखले? या स्पीकिंग। मैं उज्ज्वला की स्कूल से अलका टीचर बात कर रही हूँ। यस मैम, टेल मी। एक्चुअली मुझे उज्ज्वला के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। अच्छा, वैसे कोई सीरियस बात तो नहीं है ना मैम? कहीं उज्ज्वला पढ़ाई में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उज्ज्वला तो बहुत ब्रिलियंट बच्ची है, पर काफी दिन से मैं कुछ एक चीज नोटिस कर रही हूँ उसके बारे में। वो मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए ना, प्लीज प्लीज टेल मी। मैं आज महादेव पेट आने वाली हूँ, तो शाम को 6 बजे मिले आपकी दुकान पे? या श्योर श्योर मैम, आप आइए हम मिलते हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे मिस्टर गोखले। यू टू मैम। उज्ज्वला ने ऐसा क्या किया होगा? पापा ने इंग्लिश में बात की, जरूर मेरे टीचर का ही फोन होगा। अरे कृष्णा, कैसे हो बेटा? How was your vacation? Very nice, ma'am. Hello, madam. Hello. Madam, वो सर थोड़े बिजी थे इसलिए आ नहीं पाए। मम्मी, ये पेंटिंग मेरी है। अरे वाह, very good. मम्मी, तो आप इनकी मम्मी हैं? Pleased to meet you, Mrs. Ogle. Hello, Mrs. Mehra. I hope I'm not late. नहीं नहीं, आप लेट नहीं हैं, but सबसे पहले मैं आपको congratulate करना चाहूँगी। आपकी वाइफ वाकई बहुत सुंदर है। जी, मैं इनका पति नहीं हूँ, ये है। I'm sorry. It's okay. ये तो नहीं आने वाला था ना? मुझे क्या पूछ रहे हो? मुझे भी उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है। ये यहाँ पे जानबूझ के आया है ताकि तुम्हें अकेले में यहाँ मिल सके। अभिषेक प्लीज, अनाप शनाप सोचना बंद कर दो। कुछ भी सोच रहे हो? थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कृष्णा को यहाँ पे लाने के लिए। वो मेरी मीटिंग पोस्टपोन हो गई तो मैं आ गया। नो प्रॉब्लम,
ए भाई ए ए थोड़ा साइड हटना यार, हटना। अरे ये तो अपनी गायत्री गोखले, क्यों? हाँ क्यों, तुझे कुछ प्रॉब्लम है गड़े? नहीं नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इसकी शादी किसी और के साथ में हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट में नाम किसी और के साथ में जुड़ा है, तो हनीमून किसी और के साथ में हो सकता है ना, तो मैं तैयार। ए गड़िया, सॉरी बोल गायत्री। गायत्री को सॉरी बोल। सॉरी गलती हो गई। अब एक काम कर, ये बोल कि अगर मैं औरत का सम्मान नहीं कर सकता तो उसका अपमान भी नहीं करूंगा, ऐसा बोल। अगर मैं किसी औरत का सम्मान नहीं कर सकता तो अपमान भी नहीं करूंगा। चल बेटा निकल ले, निकल। पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, खेलता रहता खेलता रहता खेलता रहता। ये अभिजीत जब से आया है तब से ऐसे लाइफ में रौनक रौनक आ गई है, नहीं कितना मस्त जवान मर्द लड़का है, नहीं ये तो मेरी थोड़ी सी उम्र हो गई, वरना मैं महेंद्र से कह देती कि अरे उज्ज्वला ऐसे चिल्लाती क्या है, मैं ऐसे डर के गिर वीर जाती तो। आपको आपके मूड की पड़ी है या मेरे सर पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है? ले तेरे सर पे प्रॉब्लम आ गई, क्यों तू तो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। लेकिन अगर प्रॉब्लम मेरे पापा खुद हो तो? देख बेटा देख, माना कि वो केसर भाई थोड़े कपटी हैं। नहीं 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 कपटी नहीं, कपटी चालाक चालाक है, नहीं नहीं चालाक नहीं, शातिर शातिर है, नहीं नहीं शातिर चंड चंड चंड। आप मेरे पापा की डेफिनेशन मत दीजिए और मेरी प्रॉब्लम सुनिए। अच्छा हाँ बोल। मुझे शक है कि शायद मेरे पापा को पता चल गया है कि मैं मेरा होमवर्क आप लोगों से करवा रही हूँ। अच्छा ये तो अच्छी बात है, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, तेरे होमवर्क के चक्कर में मैं रात रात भर जागी हूँ, पता है तुझे वो क्या सवाल था, वो पानीपत की लड़ाई कौन लड़ा था, अभी मैं थोड़ी उधर थी देखने को, फिर मैंने लिखा सोच समझ के अर्जुन कपूर ऐसा और रॉन्ग मिला था वो मुझे। अच्छा तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो देखी भी नहीं पानी पर, टाइम ही नहीं मिला। चल अभी जो हुआ अच्छा हुआ, अब से तेरा होमवर्क तू खुद करेगी। ठीक है उर्मिला आंटी, ठीक है। चल अभी जो हुआ अच्छा हुआ, अब से तेरा होमवर्क तू खुद करेगी। ठीक है उर्मिला आंटी, ठीक है। अगर मैं पकड़ी जाऊंगी तो मैं तो बोल दूंगी मेरे पापा को कि मैंने आपसे ये सब इसीलिए करवाया क्योंकि आप ताऊ की आत्मा बन के अन्ना को। अच्छा एम एम, और तेरी बात सब लोग मान जाएंगे? कैसे मानेंगे, कोई सबूत वबूत है तेरे पास? चल तू तो समझो एक बार बोल देगी ऐसा, मैं ताऊ की आत्मा बनकर अन्ना भाई के सामने जाकर खड़ी हो गई थी, तो मैं भी तो सामने बोल दूंगी। क्या है उज्ज्वला ये तू क्या बोल रही है, बोलो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, फिर क्या करेगी तू? आपने मुझे कच्चा लिंगो समझा है? प्रॉब्लम हुई है? नहीं नहीं बल्कि गलतियां तो आपने की है, मेरे
होनी चाहिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए, है ना उर्मिला आंटी? गायत्री, तुमने सबको फोन करके ये क्यों कहा कि अभिजीत बहुत डैशिंग है? क्योंकि वो है। अच्छा, तो जाओ उसके साथ ही शादी कर लो। बकवास मत करो अभिषेक, जब उस गुंडे ने मुझ पे इतना गंदा कमेंट किया, तब तुमने क्या किया? मैं जाने वाला था। तुम जाने वाले थे, उतने में उसने काम तमाम कर दिया और तुम सब चिल्ला रहे थे। वो वक्त ना हीरोगिरी दिखाने का नहीं, हीरोगिरी करने का था। अच्छा, इतना ही हीरो पसंद है तो जाओ, रहो उसके साथ और बनो कृष्णा की माँ। अभिषेक, अगर तुमने ये बात दोबारा की ना तो मैं हाँ कह दूंगी और फिर तुम ना बहुत